स्टूडेंट्स वी आर लाइव नाउ, वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विथ एक्सरसाइज 5.1। ओके स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई स्टार्ट करना था क्वेश्चन नंबर जी। ओके सो ये भी जितने भी लॉस आपने बेटा सेम बेस पावर एड, सेम बेस इन डिवाइड फॉर्म, पावर सब्ट्रैक्ट, पावर ऑन पावर मल्टीप्लाई, तो वही सब अप्लाई यहाँ भी करना है। ठीक है, जैसे देखिए 5 ऑफ पावर क्यूब इंटू 25 अपॉन 5 ऑफ स्क्वायर। सो 25 इज कन्वर्ट, फर्स्टली वी विल कन्वर्ट 25 इन द फॉर्म ऑफ 5। ओके सो दिस इज 5 ऑफ क्यूब एंड 25 फैक्टर ऑफ 25 इज 5 टाइम्स 2 टाइम्स 5। सो 5 इंटू 5 इज गोज टू 5 ऑफ स्क्वायर। ओके सो 25 इज 5 ऑफ स्क्वायर एंड 5 ऑफ स्क्वायर। ओके सो मल्टीप्लाई में पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। सो 5 ऑफ पावर 3 प्लस 2 अपॉन 5 ऑफ पावर 2 इज गोज टू 5 ऑफ पावर 5 अपॉन 5 ऑफ पावर 2। डिवाइड में पावर देखिए बेस सेम है 5 5, पावर क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, 5 ऑफ पावर 5 माइनस 2। सो 5 ऑफ पावर 3 इज गोज टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इज गोज टू 125। ओके एक इसका दूसरा फंडा ये था, देखिए 5 पावर 2 5 की पावर 2, ये क्या कर देते, कैंसिल आउट कर देता, तो भी आंसर क्या होता था 5 की पावर 3, डायरेक्ट आंसर फाइंड हो जाता। तो चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, दोनों सेम मेथड है। ये मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के थ्रू समझाया है, और ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, दोनों ही प्रोसेस सही हैं। ओके इसका सेकेंड पार्ट देख लें बेटा, इधर प्लेस है तो थोड़ा इधर देख लेते, क्लास 6 तो आपका है नहीं। सेकेंड है आपका बिग ब्रैकेट 5 ऑफ स्क्वायर ऑफ होल क्यूब इंटू 5 ऑफ पावर 4 बिग ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 5 ऑफ पावर 5। ओके सो दिस इज 5 ऑफ पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 ऑफ पावर 4। पावर ऑन पावर लॉ अप्लाई होगा ना, तो 2 इंटू 3 पावर का पावर से क्या होगा मल्टीप्लाई, एंड डिवाइडेड बाई 5 ऑफ पावर 5। दिस इज 5 ऑफ पावर 6 इंटू 5 ऑफ पावर 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 5 ऑफ पावर 5। दिस इज 5 ऑफ पावर 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 5 ऑफ पावर 5। दिस इज 5 ऑफ पावर 10, अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, डिवाइडेड बाई 5 ऑफ पावर 5। दिस इज 5 ऑफ पावर 10 माइनस 5, सो दिस इज 5 ऑफ पावर 5। और इसकी वैल्यू निकालनी तो 5 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ओके जो इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, 4 ऑफ पावर 0 इंटू 5 प्लस माइनस 2 ऑफ पावर 0 इंटू 7 ऑफ पावर 0 इंटू 4 ऑफ पावर 0 प्लस 2 ऑफ पावर 2 इंटू 2 ऑफ पावर 0। ओके तो जितने भी पावर जीरो में हैं वो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सो 4 ऑफ पावर 0 मीन्स 1 इंटू 5 प्लस माइनस 2 ऑफ पावर 0 की वैल्यू 1, 7 ऑफ पावर की 0 1, 4 ऑफ पावर 0 1 प्लस 2 ऑफ पावर 2 मीन्स 4 एंड 2 ऑफ पावर 0 मीन्स 1। ओके सो 1 इंटू 5 5 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 1 प्लस 4 इंटू 1 4, सो 5 प्लस 1 6 प्लस 4 10, फाइनल आंसर 10। ओके सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, किसी को कोई इतना तो प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। जिनकी इनकी पावर 0 इनकी उनकी वैल्यू 1 1 पुट करते चले गए। ठीक है इसी का फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लें, 2 ऑफ पावर 5 इंटू 5 इंटू 3 ऑफ पावर 4 अपॉन 16 इंटू 3। ठीक है तो देखिए अभी 16 जो है 2 की पावर में ब्रेक हो रहा है, तो 16 के फैक्टर कर लेंगे, 2 एट ज़ा 2 फोर ज़ा 2 टू ज़ा 2 वन ज़ा। ओके तो 2 ऑफ पावर 5 इंटू 5 इंटू 3 ऑफ पावर 4 अपॉन 16 मीन्स 2 ऑफ पावर 4 इंटू 3। ओके 2 ऑफ पावर 4 इंटू 3
सो 2 को 2 की पावर से सॉल्व करेंगे, 3 को 3 की पावर से। हेयर इज द पावर ऑफ 3 ऑफ पावर 1, 1 इज अंडरस्टूड, ओके। सो 2 को 2 की पावर से सॉल्व करेंगे, 2 ऑफ पावर 5 माइनस 4, डिवाइड फॉर्म में दोनों पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, इंटू 5 इंटू 3 ऑफ पावर 4 माइनस 1, ओके। 3 ऑफ पावर 4 माइनस 1, इसका इसके साथ सॉल्यूशन होगा और इसका इसके साथ। 5 को सेम एज वैसे ही नोट मैंने कर दिया, ओके। सो दिस इज 2 ऑफ पावर 1 इंटू 5 इंटू 3 ऑफ पावर 3। तो 2 ऑफ पावर 1 मीन्स 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सो दिस इज 10 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 27। तो फाइनल आंसर इज 270, ओके। फाइनल आंसर इज 270, ओके ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं ओरली, पहले आप को ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो हम बताएंगे क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए, विद इन ब्रैकेट 3 ऑफ पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 ऑफ पावर 2, ओके। तो 3 ये होल पावर बाद में सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 3 ऑफ पावर 5 प्लस 2, तो 3 ऑफ पावर क्या हो जाएगी, 7, ठीक है। 3 ऑफ पावर 7 ऑफ होल पावर 3, ओके। सो फाइनल आंसर तो आपको पता ही होगा, पावर ऑन पावर की कंडीशंस में क्या करते हैं, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। सो सबसे पहले आप ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला सेम एस क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेम कॉपी क्वेश्चन है, बस 5 के बेस पे बेस क्या है आपका 2, ओके। सो सेम एस क्वेश्चन 2 नंबर है, ठीक है। तो सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज हम बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, देखिए 2 सबसे पहले डिनोमिनेटर में पावर को ऐड करा लेंगे, बेस सेम है 2 की पावर 7 एंड इनटू 2 ऑफ पावर 3, ओके। तो 2 ऑफ पावर 10 हो जाएगा, 7 प्लस 3 2 ऑफ पावर 10, न्यूमरेटर में 2 ऑफ पावर 15 है और डिनोमिनेटर में 2 ऑफ पावर 10 है, सो 2 ऑफ पावर 15 माइनस 10, तो 2 ऑफ पावर 5 आपका आंसर हो जाएगा, ओके। इसी टाइप से आपका 8 नंबर क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये आपका वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है, हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करे। x ऑफ पावर 10 एंड y ऑफ पावर 5 अपॉन 5 ऑफ पावर 4 इंटू x ऑफ पावर 7 इंटू y ऑफ पावर 4, ओके। सो देखिए सारे टर्म्स मल्टीप्लाई फॉर्म में है, ठीक है। सो 5 को 5 से सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 4, x को x से सॉल्व करेंगे, x ऑफ पावर 10 माइनस 7 एंड y ऑफ पावर 5 माइनस 4, ओके। सो दिस इज 5 ऑफ पावर 0 इंटू x ऑफ पावर 3 इंटू x ऑफ पावर 1, ओके। सो दिस इज 1 इंटू x ऑफ पावर 3 इंटू x ऑफ पावर 1, सो x ऑफ पावर 3 इंटू x ऑफ पावर 1 का तो x ऑफ पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा, वही होगा ना, 1 का मल्टीप्लाई कोई मायने नहीं रखता है। एंड दिस इज x ऑफ पावर 3 प्लस 1, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, एड। सो दिस फाइनल आंसर x ऑफ पावर 4, ओके। सो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9th देखिए, क्वेश्चन नंबर 9th और 4th बिल्कुल सेम है बेटा, ठीक है। सो एक बार इसे ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अलग टाइप का है, कोशिश करेंगे समझने की, नहीं होगा फिर से मैं नेक्स्ट क्लास में डिक्टेट कर दूंगा। तो इस क्लास का तो ये लास्ट ही क्वेश्चन है आपका, मान के चलिए 10 इंटू 5 ऑफ पावर n प्लस 1 प्लस 25 इंटू 5 ऑफ पावर n अपॉन 3 इंटू 5 ऑफ पावर n प्लस 2 प्लस 10 इंटू 5 ऑफ पावर n प्लस 1, ओके। सो यहाँ पे देख लें आप, टेन इंटू 5 ऑफ पावर n प्लस 1 जो आपका नोट है n प्लस 1, इसका बस सॉल्यूशन देख लीजिए, इसको स्प्लिट कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं 5 की पावर 2 फॉर्म में, 5 ऑफ पावर n इंटू 5 ऑफ पावर 1, तभी तो ये ऐड हो गया, 5 ऑफ पावर n प्लस 1 होगा, बेस सेम होगा, पावर ऐड हो गई, तो एडिशन पावर को मैंने 5 ऑफ पावर n इंटू 5 ऑफ पावर 1 में ब्रेक किया है। क्यों किया ये अभी आपको पता चल जाएगा। सो 10 इंटू 5 ऑफ पावर n इंटू 5 ऑफ पावर 1,
ओके एन प्लस वन को मैंने स्प्लिट कर दिया है 5 ऑफ पावर n इंटू 5 ऑफ, फिर से ऐड हो जाएगा, फिर से देखिए क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 25 इंटू 5 ऑफ पावर n, बिल्कुल ऐसे ही नोट हो जाएगा 3 इंटू, सेम जो कंडीशन ऊपर अप्लाई करी यहाँ भी वही अप्लाई करेंगे, 5 ऑफ पावर n इंटू 5 ऑफ पावर 2 प्लस 10 इंटू, इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई करेंगे 5 ऑफ पावर n इंटू 5 ऑफ पावर 1। ठीक है, मल्टीप्लाई फॉर्म में तो एक ही, देखिए अब दो टर्म्स हैं, ये मल्टीप्लाई वाला फर्स्ट टर्म मिड में प्लस है और मल्टीप्लाई वाला सेकंड टर्म, इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या दिख रहा है 5 ऑफ पावर n। ठीक है, तो आपका ब्रैकेट के अंदर कौन कौन से टर्म्स बचेंगे, ये तो कॉमन ही हो गया, इसको कट कर लें हल्का सा एक साइन बना के, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 5, ओके प्लस 25 और 5 ऑफ पावर n तो कॉमन ही चला गया है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और अपॉन का साइन लगाएंगे, नीचे भी देखिए 5 ऑफ पावर n कॉमन है दोनों टर्म्स में, यहाँ और यहाँ में। ठीक है, सो दिस इज 3 इंटू 25 प्लस 10 इंटू 5, ओके सो 5 ऑफ पावर n कट हो जाएगा और फाइनल आंसर हो जाएगा 50 प्लस 25 अपॉन 75 प्लस 50, सो दिस इज 75 अपॉन 125, सो 25 3s and 25 5s, फाइनल आंसर क्या होगा 3 अपॉन 5, ओके सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, और एक बार कोशिश करिएगा कि आप इसको फेयर में अपना लगाएं। सो बाय, टेक केयर, वीडियो भी 12 मिनट्स से अबव का हो चुका है।